श्याम जन्मोत्सव पर मॉडल टाउन में लखदातार सेवा समिति द्वारा पहली बार श्री श्याम शाही शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा मुल्तान भवन से शाम के 4 बजे से शुरू होकर पूरे मॉडल टाउन से होते हुए वापस मुल्तान भवन में ही पहुंची। यात्रा में कई तरह की झांकियां रहीं, जैसे भारत की सबसे मशहूर जिया बैंड ने श्याम बाबा के रथ की अगुवाई की। दक्षिण भारत की अद्भुत झांकियां देखने को मिली। 108 निशान लेकर भक्त यात्रा में चले। वहीं शाही शहनाई, घोड़े और जैसलमेर के ऊंट भी यात्रा की अगुवाई में रहे, जो कि आकर्षण का केंद्र रहे। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, पानीपत में पहली बार इस तरह की भव्य यात्रा निकली है। वहीं ज्योत प्रज्वलित व यात्रा शुभारंभ के मुख्य अतिथि मुल्तान भवन के प्रधान रमेश नागरू, पार्षद विजय जैन, समाज सेवी नरेश सिंगला, समाज प्रेरक महंत बीबी शर्मा ने किया। कार्यक्रम चुलकाना खाटू श्याम मंदिर के पुजारी देवेंद्र के सानिध्य में हुआ। इतना ही नहीं, भजन संकीर्तन भी चला और कार्यक्रम में रात को केक काटा गया। वहीं श्याम बाबा के जन्म दिवस पर रात को आतिशबाजियां भी हुई। श्याम बाबा के 108 दीपों से आरती की गई और कार्यक्रमों में भक्तों के लिए विशेष रूप से इनाम भी रखे गए थे। इसमें 21 कूपन धारकों को लकी डो के माध्यम से लड्डू गोपाल व आकर्षक इनाम दिए गए। कार्यक्रम के मंच संचालन मदन लाल आजाद ने किया। तो भव्य तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर देख सकते हैं कि पहली बार पानीपत में इस तरह की शाही शोभा यात्रा निकाली गई है। तो अपील रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सभी भक्त झूमते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।